तो आज जो है आपका जो टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा। जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो को जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ में या आपके जो बड़े भाई बहन या छोटे भाई बहन आपके जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में ज़रूर शेयर करना, क्योंकि हो सकता है कुछ गलतियां वो भी कर रहे होंगे। क्योंकि मैंने खुद ने एग्ज़ाम के लिए यानी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी की है, तो जो चीज़ें मुझे मुझे लगता है कि आपको बतानी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ हमें हर कोई नहीं बता पाता और ना ही हम उस चीज़ को समझ पाते हैं कि ये चीज़ क्या है। लेकिन जब हम उस चीज़ से गुजरते हैं और उस चीज़ का एक्सपीरियंस लेते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये चीज़ें भी ज़रूरी है। और अगर हमें इन चीज़ों का पता होता है तो हमारा सिलेक्शंस जो है वो बेटर तरीके से और कम टाइम में हो जाए। तो उसी के रिगार्डिंग अपने डिस्कस कर रहे हैं और आपको शायद वो टॉपिक्स भी जो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, हो सकता है कोई ना कोई स्टूडेंट जो है उसके अकॉर्डिंग तैयारी भी करता होगा। अगर नहीं करता है तो उस शेड्यूल को ज़रूर देखें। अब जो फर्स्ट टॉपिक मैंने लिया है वो लिया है यहाँ पे सिलेक्शंस, यानी कि अपने को एक जॉब के रिगार्डिंग हमें सेलेक्ट करना है कि हमें किस वैकेंसीज़ की तैयारी करनी है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कई वैकेंसीज ऐसी होती है, अगर अपने स्टेट लेवल की बात करते हैं, बहुत टाइम लग जाता है कि किसी वैकेंसीज़ को आने में, उसके एग्ज़ाम को होने में 2-3 साल लग जाते हैं। उस कंडीशंस में जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा होता है उसको भी माइंड में लगता है कि हमें किसी और वैकेंसीज़ की तैयारी करनी चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग मैं कह रही हूँ कि अगर आप किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम को लेकर तैयारी कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि इसका जो सिलेबस है लगभग सेम है, किसी और एग्ज़ाम से संबंधित है, समझ में आया, जब 2 एग्ज़ाम हो रहे हैं और उनकी एग्ज़ाम डेट भी बहुत गैप है उनके बीच में और आपको लग रहा है कि दोनों का सिलेबस सेम है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ राजस्थान के अंदर बहुत सारे एग्ज़ाम है, जैसे कि ग्राम सेवक हो गया, पटवारी हो गया, अगर ये एग्ज़ाम थोड़े टाइम के बीच में है और इनके बीच में एग्ज़ाम के बीच में आपका डिले काफ़ी है, तो हमें क्या करना है उस कंडीशंस में आप 2 एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको कह रही हूँ कि 1 एग्ज़ाम की तैयारी कब करनी है, जब आपका गैप जो है आपको लग रहा है आपके पास टाइम काफ़ी है और आपने अभी तैयारी शुरू की है और आपका टारगेट जो है इस वैकेंसीज को लेकर फर्स्ट टारगेट है कि हमारा इस वैकेंसीज में होना चाहिए, तो उस कंडीशंस में आपने पहले तरीके से तैयारी शुरू की है तो आपको पहले एक ही टारगेट लेना चाहिए। अब देखो, अगर आपकी तैयारी पहले से है, ऑलरेडी आपकी तैयारी है किसी वैकेंसीज के लिए और वैकेंसीज के अंदर बहुत ज़्यादा डिले है, उस कंडीशंस में आपके सामने ये कंडीशंस है कि कोई और एग्ज़ाम आ रहा है और आपका 1 या 2 जो है सब्जेक्ट उसमें एक्स्ट्रा करने हैं या फिर 1 या 2 सब्जेक्ट की तैयारी आपको एक्स्ट्रा करनी है, तो उस कंडीशंस में आप उस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। लेकिन आपका टारगेट जो है मेन टारगेट वो आपका फिक्स है, आपको पता है कि तब हमारी भर्ती आएगी और हमें इस भर्ती के लिए तैयारी जो है पहले से करनी ही है और पहले से कंटिन्यू आपको तैयारी रखनी है। ऐसे नहीं है कि भर्ती आ गई उसके बाद में हमने तैयारी शुरू की है और उसके बाद में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो हमें सबसे पहले हमारा टारगेट जो है जिसके लिए हमें सिलेक्शंस लेना है उसका टारगेट हमें डिसाइड करना होगा। अगर आपकी ऑलरेडी उस एग्ज़ाम की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है तो आपका टारगेट सिर्फ 1 होना चाहिए, उस भर्ती के लिए आपको अच्छे से उसके सारे जो सब्जेक्ट है वो क्लियर तैयार करने चाहिए। और अगर आपकी पहले से ऑलरेडी तैयारी है और आपको लग रहा है कि किसी एग्ज़ाम है जो मान लो किसी आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और जो भर्ती है उसका एग्ज़ाम बहुत डिले होने वाला है, 1 साल बाद में होने, उससे पहले कोई आपका एग्ज़ाम है 3 मंथ बाद में या 2 मंथ बाद में, तो आप उस एग्ज़ाम के लिए अच्छे से बेटर तरीके से तैयारी कर सकते हो, क्योंकि उसका सिलेबस सेम है, सिर्फ 1 या फिर 2 सब्जेक्ट आपके एक्स्ट्रा ऐड हुए, उस कंडीशन में कर सकते हो। कहने का यहाँ पे मतलब है कि कोई भी एग्ज़ाम है अगर आपकी ऑलरेडी पहले से तैयारी है तो आपको उस टाइम क्या करना है कि उस एग्ज़ाम के बीच में कम से कम 3 मंथ का गैप होना चाहिए, कम से कम, ताकि आप 1 एग्ज़ाम को कम से कम 3 महीने तो देश को अच्छे से अपने माइंड सेट करके, अगर किसी एग्ज़ाम के बीच में इतना गैप नहीं मिल रहा है तो फिर आपको सिर्फ 1 एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी चाहिए। और उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको उसका सिलेबस सबसे पहले आपके पास होना चाहिए, सबसे पहले उसका सिलेबस आपके पास होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि उस एग्ज़ाम में किस संबंधित जो है क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। दूसरा, आपके पास यहाँ पे होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, यानी कि जो वह एग्ज़ाम हो चुका है उसका पहला पेपर, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हुए हैं उसको एनालिसिस करना है। उसको किस प्रकार से एनालिसिस करना है कि आपको ये ज़रूर देखना है कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए हैं। जैसे कि अगर मैं राजस्थान की बात करूँ तो हो सकता है राजस्थान में आर्ट एंड कल्चर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, वो हो सकता है उसमें राजस्थान में हिस्ट्री से एग्ज़ाम में बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन अपने जो है हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो हमें उस एग्ज़ाम का पैटर्न जो है वो समझना होगा कि उसमें किस तरीके के क्वेश्चन जो है ज़्यादा पूछे गए हैं।
तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इसका मतलब आपके पास सिलेबस तो ऑलरेडी होना चाहिए, सिलेबस का प्रिंट आउट होना चाहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए और टाइम टू टाइम आपको चेक करना है कि ये वाला टॉपिक यहाँ से इस प्रकार से पूछा गया है। अब देखो यहाँ पे ये टारगेट के बारे में मैंने बता दिया कि एक टाइम में आपको एक टारगेट सेलेक्ट करना है। अगर आपकी पहले से तैयारी है उसके रिगार्डिंग भी मैंने आपको बता दिया है। कम से कम आपके पास जो है गैप जरूर होना चाहिए 3 मंथ का, क्योंकि आपको किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट लेना है तो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट भी देने पड़ेंगे, उसके एग्ज़ाम के पैटर्न को भी समझना पड़ेगा, अगर आपकी तैयारी है तो भी रिवीजन भी करना पड़ेगा, तो आपके पास टाइम बहुत कम होगा उस कंडीशंस में। अब देखो यहाँ पे आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, यानी आपने जो टारगेट लिया है उसका सिलेबस धीरे धीरे आपको कंप्लीट करना है। अगर आप फ्रेशर हो यानी कि फर्स्ट टाइम अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो है कोई भी आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो या फिर सेल्फ स्टडी से आप खुद के नोट्स जो है वो तैयार कर सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है एक भी सिलेबस का टॉपिक जो है वो छोड़ना नहीं है, आपको सिलेबस का टॉपिक जो है वो कंप्लीट करना है। आपको जैसे मैं आपको बताती हूँ कोई भी पेपर है मान लो उसके अंदर सारे सब्जेक्ट आ रहे हैं, उसके अंदर आपका मैथ भी आ रहा है, अगर किसी स्टूडेंट को मैथ से डर लग रहा है या फिर किसी स्टूडेंट को इंग्लिश से डर लग रहा है या फिर साइंस से डर लग रहा है तो आपको वो टॉपिक छोड़ना नहीं है। अगर आपके उसमें क्वेश्चंस 3 ही आ रहे हैं 2 ही क्वेश्चन आ रहे हैं लेकिन एटलीस्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है अगर क्वेश्चन कम आ रहे हैं तो उतने तो देखें ना, हो सकता है आप उस पेपर में वो क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर पाए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही कंप्लीट कर लें तो भी आपको हो सकता है फ़ायदा हो जाए। तो आपको क्वेश्चंस में छोड़ना नहीं है, यानी कि अगर आपके 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उस कंडीशंस में तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि 10 क्वेश्चंस जो है वो एक पेपर का वेटेज काफ़ी बढ़ा देता है और आपको लग रहा है कि मेरे को मैथ नहीं आती है मैं ये टॉपिक छोड़ देता हूँ। हो सकता है आप मैथ नहीं आती है फिर भी आप 10 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चंस करेंगे तो भी आप देख लीजिए कट ऑफ में, अगर एक नंबर का एक क्वेश्चन है तो आपके जो मार्क्स है वो 3 नंबर होंगे और अगर एक क्वेश्चन के 2 नंबर है तो आपके 6 मार्क्स होंगे। तो आपको जो है बिल्कुल भी सिलेबस का एक भी टॉपिक जो है वो किसी हालात में नहीं छोड़ना है। अब है नेक्स्ट है आपको अपने शॉर्ट नोट्स साथ साथ में तैयार करने हैं। शॉर्ट नोट्स क्यों तैयार करने हैं, क्योंकि जब लास्ट टाइम होता है उस टाइम में हमें रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, शॉर्ट नोट्स आपके पास बने होने चाहिए। फिर उसके बाद में आता है आपका यहाँ पे, जैसे ही आपने शॉर्ट नोट्स भी बना लिए अपने सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया उसके बाद में आपको क्या करना है मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करनी है, यानी कि आपको टेस्ट पे प्रैक्टिस करनी है, चाहे आप ऑनलाइन करें चाहे ऑफलाइन करें लेकिन आपको टेस्ट पे प्रैक्टिस करनी है। अब मैं एक चीज़ और बताती हूँ, क्योंकि कुछ एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन होंगे और कुछ एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जो ऑफलाइन होते हैं, आपको अपने एग्ज़ाम का पैटर्न समझना होगा, आपको अपने एग्ज़ाम का पैटर्न समझना होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने एग्ज़ाम का जो प्रैक्टिस है वो करनी होगी, यानी कि मॉक टेस्ट देने होंगे। समझ में आया होगा, यानी कि आपको ये गलती नहीं करनी है कि अगर आपका पेपर ऑनलाइन हो रहा है तो आपको ऑफलाइन प्रैक्टिस नहीं करनी है, कोशिश करें ऑनलाइन ही प्रैक्टिस करें, ऑनलाइन कोई मॉक टेस्ट अपने ले और उस पे प्रैक्टिस आप करें। अब क्या होता है कई बार मॉक टेस्ट हार्ड बनाए होते हैं तो आपको ये पहले देख लेना है कि किसके मॉक टेस्ट बेस्ट है, और आपको ये नहीं सोचना कि मॉक टेस्ट हार्ड है, लेकिन आपको टाइमिंग का आपको गलतियाँ नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें जो है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम एग्ज़ाम में बैठे होते हैं और हम क्वेश्चंस को भी ढंग से नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये धीरे धीरे जो गलतियाँ हैं वो कम होती जाएगी और हमें एक नोटबुक के अंदर नोट कर लेना है कि हमारी गलती यहाँ पे ये हुई थी और हमें नेक्स्ट टाइम जब हम मॉक टेस्ट दें या टेस्ट पे प्रैक्टिस करें तो हमें ये गलती नहीं करनी है। जैसे किसी स्टूडेंट का ऑफलाइन एग्ज़ाम, यानी स्टेट के ज़्यादातर एग्ज़ाम अपने ऑफलाइन होते हैं, तो अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम है तो उस कंडीशंस में आपको क्या करना है, यानी कि पेपर आपको दिया जाता है तो उस कंडीशंस में आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो OMR सीट पे ही करनी है। घर पे आप मार्केट से ऑफलाइन टेस्ट परचेज कर सकते हैं, ऑफलाइन टेस्ट आपको मिल जाएंगे जब भी आपका एग्ज़ाम होगा, उससे पहले ऑफलाइन जो टेस्ट होते हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं, तो आपको वहाँ से टेस्ट को ख़रीदना है और घर पे OMR सीट लाके मार्केट से OMR सीट आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आपको क्या है डेली जो है इस पे प्रैक्टिस करनी है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहती हूँ कि आपको प्रैक्टिस जो है वो या तो एक टारगेट सेट करना है कि हर 7वें दिन मुझे प्रैक्टिस करनी है, डेली आप मॉक टेस्ट ना दें, आपको क्या करना है 7वें दिन आपको प्रैक्टिस करनी है। एक चीज़ ये ध्यान रखें मैं आपको यहाँ पे वापस बता रही हूँ कि आपको 7वें दिन, क्योंकि आपके पास टाइम होगा, आपको हर 7वें दिन टेस्ट देना है और टेस्ट का एनालिसिस करना है, ये ज़रूरी है। टेस्ट का क्या करना है, एनालिसिस करना है। अब एनालिसिस कैसे करेंगे, आपको हर सब्जेक्ट को लेना है और आपको ये देखना है कि मेरा इस टॉपिक में कितने क्वेश्चन सही हुए, क्या गलती मेरे से हुई और कौन कौन से टॉपिक मुझे अच्छे से नहीं आ रहे, क्योंकि जब अपने प्रैक्टिस करते हैं जब अपने टेस्ट देते हैं तो हमें ये चीज़ ज़रूर पता चलती है कि हमारे इस टेस्ट के अंदर
जो ये वाला टॉपिक है थोड़ा वीक है, तो अपने को फोकस क्या करना है, फिर उस टॉपिक को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करनी है। जो टॉपिक हमारा कमज़ोर है वो हमें टेस्ट से ही पता चलेगा। तो आपको मैंने बता दिया, जब आपका पेपर, आपका एग्ज़ाम का जो है पैटर्न, वो इस प्रकार से है कि आपका एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है, तो उस कंडीशंस में आपको क्या करना है, आपको अपने एग्ज़ाम की प्रैक्टिस भी ऑफलाइन तरीके से ही करनी है। क्योंकि आजकल क्या है, बहुत सारे कोचिंग सेंटर है ऐसे जो ऑफलाइन टेस्ट की प्रैक्टिस भी देते हैं और ऑनलाइन भी प्रैक्टिस होती है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी टेस्ट को यहाँ पे इम्प्रूव करना है। फिर है आपका लास्ट में, मैंने बताया आपका रिवीजन। तो लास्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका रिवीजन, यानी कि आपको एक सेट करना है कि हर 15 दिन या हर 7वें दिन मुझे क्या करना है, रिवीजन। और वैसे तो रिवीजन आपका डेली कंटिन्यू होना चाहिए, अगर आपके शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं तो आप बहुत फास्ट तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि इसके अंदर जो थॉट्स मैंने लिखे हैं वो लगभग हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग ही अगर अपनी तैयारी करेंगे तो हमारी जो तैयारी है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। क्योंकि हम गलती क्या करते हैं, मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ, हमारी गलती क्या होती है, क्योंकि अगर अपने स्टेट लेवल की कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, यानी ऑफलाइन कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो हमने एग्ज़ाम से पहले एक बार भी OMR सीट पर प्रैक्टिस नहीं की होती, और हमारा जो पेपर होता है वो ऑफलाइन पेपर होता है, और हमने एक बार भी प्रैक्टिस नहीं की होती। उसके बाद में एग्ज़ाम में क्या दिक्कत आती है कि या तो स्टूडेंट क्या करता है, OMR जो है उसमें क्वेश्चंस को टिक करता है, पहले OMR को लास्ट में भरने की कोशिश करता है, तो बाद में क्या होता है कि जल्दी जल्दी में हो सकता है उसके OMR सीट के जो आंसर भरे जाएं वो गलत भरे जाएं। और कई बार क्या स्टूडेंट क्या करता है कि जो क्वेश्चंस होता है उसको ढंग से रीड नहीं करता है, जैसे क्वेश्चंस में लिखा हुआ है इनमें से कौन सा नहीं है, तो नहीं है वर्ड जो है वो हमने नहीं देखा, तो हमारा एक क्वेश्चन तो गलत हो गया। और छोटी छोटी मिस्टेक जो है वो हमें कट ऑफ के पास लाकर भी हमें उस एग्ज़ाम से, उस भर्ती से बाहर कर देती है। तो ये चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है। और सेकंड जो मैं आपको बताती हूँ, जैसे OMR सीट अपने भर रहे हैं तो क्या होता है, कई बार हमारा जो माइंड है वो कुछ अपने क्वेश्चंस पे टिक कुछ और कर रहे होते हैं, जैसे ए ऑप्शन टिक किया और OMR में हम बी भर रहे हैं, ये भी हमें क्या है प्रैक्टिस करेंगे तो ये गलतियाँ जो है वो कम हो जाती है। तो गलतियाँ धीरे धीरे अपनी कम होती जाती है जब अपनी सेम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे अगर अपना पैटर्न, एग्ज़ाम का पैटर्न इस प्रकार से कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन बोर्ड के अंदर है, तो हमें प्रैक्टिस ऑनलाइन ही करनी होगी, और जब हमारा एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन बोर्ड में है तो हमें प्रैक्टिस उसी तरीके से करनी है। और नेक्स्ट चीज़ है आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, जितने हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हमें लगाने हैं। शॉर्ट नोट्स जो है उसकी अपनी अलग अहमियत होगी, किस प्रकार से जब हमारा एग्ज़ाम होगा तब हमें रिवीजन की ज़रूरत होगी, क्योंकि रिवीजन तो हमें एग्ज़ाम से पहले भी करना होगा, तो शॉर्ट नोट्स जो है बने होते हैं तो आपको टाइम कम लगता है और फटाफट हम उस चीज़ का रिवीजन कर पाते हैं। और मॉक टेस्ट की अहमियत भी मैंने आपको बताई कि जब आप प्रैक्टिस सेट देंगे, मॉक टेस्ट देंगे, तो आपको क्या होगा, उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको अपनी गलतियाँ जो है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, आपको पता चलेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारी तैयारी फुल होती है लेकिन हमें एग्ज़ाम को ही अटैम्प्ट नहीं करना आता, और उसकी वजह से अगर हमने 3-4 क्वेश्चन ही गलत कर दिए, हमने 3-4 क्वेश्चन में ही गलती कर दी, तो हम उस एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे।